छोड़ के जाना चाहता हूं, इस दरखास्त के साथ कि आप उसको पढ़ेंगे और उसमें एडिशन करेंगे। बिल्कुल मेरी कोई ख्वाहिश ख्वाबो ख्याल में ये बात नहीं है, फिर तो पुत्र जी क्यों हाथ ला रहे हो, मैं तन मन बुला रहे I have no desire whatsoever to impress you, to convince you, or to say that what I am going to say is the truth. Hey, putra, aap hi labda. Main nahi dasna. You have to find it out for yourself. मेरा ख्याल था कि मैं गालिब के तीन शेरों से शायरी की है मेरी बच्ची ने इधर आके, तो तीन शेर मैं आपसे शुरू करूँ। उनके मतलब क्या है अगर आप क्वेश्चन आंसर में मुझे अगर बंद हुआ और आप मुझे सह सके तो आप पूछ लीजिएगा। पहला शेर, क्योंकि दो शेरों के बारे में गालिब ये कहता है कि पांच शेरों के बारे में वो फरमाते हैं कि इन पांच शेरों की वजह से मैं जन्नत में जाऊंगा। पहला शेर यह है कि ज़ुल्फ जुनून को वक्त तपिश दर भी दूर था। वक्त तपिश क्या होता है? द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, यूरेका, जब आयरन ओर मेल्ट करता है विद दैट हीट। ज़ुल्फ ज़हीफ नहीं, बोझ के रहा, जो मेरा पैशन था, सोचने वाले आदमी का एक ही पैशन होता है, टू लिफ्ट द वेल एंड सी द एंटिटी रब के करीब। ज़ुल्फ जुनून को वक्त तपिश दर भी दूर था। आई वाज नियर बट आई नेवर वेंट देयर, तो मैं बचा किस तरह? हाउ डिड आई सरवाइव? एक घर में मुख्तसर सा बयाबान जरूर था। यानी वो शहर में कि रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, रेड लग जाएंगे रास्ते में गरीबानों के, कैसे बचा मैं? मेरे अंदर एक खला थी जिसमें मैंने उसको महफूज कर लिया विदाउट रियली लिफ्टिंग द वेल, ठीक है जी। दूसरा शहर उनका ये है कि महफिले बरहम करे है गंजफा बाजे ख्याल। मुश्किल शायर था भी आपका सी। गंजफा क्या होता है? गंजफा वो ताश होती थी 80 पत्तों की जो मुगल खेला करते थे मुगलों के दौर। गंजफा बाज क्या होता है? वो जो उस ताश के पत्ते फेंटता है। गंजफा बाज ख्याल क्या होता है? जो ख्यालों के पत्ते फेंटते। महफिलें बरहम करे है गंजफा बाज़े ख्याल, है वरक गर्दानी है न रंग यक बुतखाना। अगली लाइन का मतलब सोचो फिर मुझे पूछना, फिर दसना। आखिरी शेर जो मैं उनका, वो ये नहीं कहा कि इसलिए वो जन्नत में जाएंगे, वो मुझे बड़ा पसंद है। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ कुछ न समझे खुदा करे कोई। मैं चाहता हूँ कि मैं जो अर्ज करने लगा हूँ अल्लाह करे आपके ऊपर आप पे ना असर हो ना आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आए। यहाँ वो यार अब न समझे न समझे कि मेरी बात दे उनको दिल और के ना दे मुझको जबान। बट लेट मी स्टार्ट विद व्हाट आई वांट टू स्टार्ट। देखो जी बाजवा साहब का फोन है तो मेरी भी गल करा दे। जो हम इंसान हैं अपेरेंटली, हमारा जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस। हमें बड़े खौफ है जिंदगी में,
खौफ हम पे डाले जाते हैं। ये याद रखिए कि जब नया बच्चा पैदा होता है उसकी जो स्लाइड होती है अंदर वाली सीडी वो खाली होती है, एम्प्टी, इट अब्सॉर्ब्स। हम में खौफ है अंधेरे का, अंधेरे ना जाए बाबा आ जाए। हमें बताया जाए दिन चंगा नहीं जी, क्या है अजी मंगल ना दिन, और मंगल अजी ना रखिया है। We are also superstitious. वो जी बिल्लियां गोला मंगे, वो जी हिंसा 13 बड़ा बुरा है, अच्छा जी हिंसा 7 बड़ा बुरा है, अच्छा। So we have all sorts of things. हमें खौफ है मौत से। याद रखिए कि जब कोई मर जाता है कोई नहीं कहता है कि मेरे दादाजी पे है, कहता दादे की लाश पई। Immediately, the moment death takes place, we distance ourselves from it. वो मर गया, मैं जिंदा। याद रखिए, we are not happy with death. जो शादीशुदा लोग हैं वो बीवियों से डरते हैं कि पढ़े ना जाइए तो पूरी पा रहे हैं, ससों से डरते हैं। एक खौफ हमें है खड़े होके तकरीर करने का, वन ऑफ द फियर्स दैट वी हैव इन लाइफ। मैं चूंकि टेलीविजन में भी काम करता रहा हूं तो मैंने देखे हैं बड़े बड़े मोहतमर आदमी, ग्रेड वाइज अफसर, ग्रेड चैप्टर बड़ा अफसर, वो टेलीविजन पे आते हैं तो उनके होंठ सूख जाते हैं, तो वो गिर गिर तरह जबान फेर दे। होंठ सूखने को पंजाबी में क्या कहते हैं, और पिपणी जमी है ये। इसलिए हम घबराते हैं तकरीर करने से कि हमें डर होता है कि हम पे कोई हंसना पड़े। याद रखें, we are afraid to stand up here and say लोग की समझेंगे, साढ़े बाहर की क्या है, and that creates the fear in us, जिससे घोट भी कामते हैं, गला भी कामती है, पेट में butterflies भी होती हैं, and all sorts of things. Lord, thank you. जिस दिन आप इस नतीजे पे पहुंच जाए कि भाई हंस जाते हंस लेंगे कड़ी की आमद आ जाएगी बाबू, यू विल फाइंड कि ये खौफ यहाँ खड़े होके तकलीफ करने का इलिमिनेट हो जाएगा। सो माय फर्स्ट एडवाइस और रिएक्शन इज फॉरगेट व्हाट ही सेज, ही सेज नाटे रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नाटे रहे नाटे गए, शुक्र है बट नहीं है। जो ग्रीक्स थे यूनानी, जिनके पीरियड ऑफ ग्रोथ को, एक्सपेंशन को हम हेलेनिस्टिक पीरियड कहते हैं, अनबिलीवेबल। उनकी एक ख्वाहिश ये थी इंसानों के बारे में, नो थाइसेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, और जब ये मरला आप तय कर लें, देन बी थाइसेल्फ, नो थाइसेल्फ एंड बी थाइसेल्फ। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, अपने आप को जानना और पहचानना। अगर ये इतना आसान काम होता तो बुल्ले शाह जैसा मिस्टिकल पोएट ये ना कहता कि जाना मैं कौन बुलिया, कि जाना मैं कौन, उसे नहीं पता था वो सैयद की औलाद, उसे नहीं पता था वो एक राई का मुरीद है। व्हाई डिड ही हैव टू रेज दिस क्वेश्चन एंड से आई डू नॉट नो हु आई एम। एक और सवाल, एक और फलसफी ने ये कहा, देखिए शाहरुख खान तो फिल्म बना सकता ना, मैं हूं ना, और हम सब क्या बात
लेकिन फलसफे में इसका जवाब ऐसे दिया गया है, कैसे पता है कि मैं हूं? एक फलसफे का दौर यह है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मुर्दा नहीं सोचता, आई थिंक देयरफॉर आई एम। एक और आया उसके बाद, उसने कहा ये काफी नहीं है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, आई डाउट देयरफॉर आई एम, मैं शक करता। सानू और अजाम मॉडर्न एज में 21st सेंचुरी में सानू जिहड़ी कहानी सुनाई जांदी सी, मान लैणा ओ सुभान अल्लाह, ओ भाई कब आदत पड़ेगी आपको शक करने की? When will you decide I want this verified? जो आपको कहानी सुनाई जाती है, I doubt, therefore. अब इस दौर में जो पिछले 5-6 साल से बात चल रही है वो ये है कि मैं अपनी हकीकत पहचानना चाहता हूँ। What is my authentic self? फलसफी ने ये थियोरी पेश की है कि नहीं, वी आर नॉट इंडिविजुअल, वी आर डिविजुअल्स। कई लोग बसते हैं हम और हम रोल प्ले करते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। माँ के साथ हमारा स्कूल सलूक एक इंडिविजुअल को होता है, बहन भाइयों के साथ जिनके साथ बांटना हो बाप का हिस्सा वो सलूक और होता है। सो मेनी पीपल लिव इन अस एंड वी रिएक्ट टू सिचुएशंस एज दे कन्फ्रंट अस। आज समझिए, बच्चों के साथ एक और सलूक होता है, मनकुआ बीवी के साथ एक, अगर कोई मनकुआ बीवी के अलावा कोई फंस जाए तो उधर भी सलूक। शीशे के सामने देख के खड़े होके मैं कौन हूं, बंदों की मदद तुझे कौन, आपको क्या पता है आप कौन? इसका एक आंसर जोहारी, इट्स कॉल्ड जोहारीज विंडो, वो ये कहता है कि अपने आप को ये समझो, बेटा तू गल कर, मेरे बच्चे हो गल कर ले, तुझे बड़ी अहम गल करनी है, तुझे को करना ही गल करनी है तो कर लो। भाई मैं तकरीर छोड़ जाता, मैं वापस जाने में काम करना जाके असी करने। जोहारी ये कहता है कि अपने आप को ये समझो कि आपकी शख्सियत और आप चार फ्रेम्स हैं एक खिड़की के। यू आर लाइक फोर फ्रेम्स इन ए विंडो। इन द फर्स्ट फ्रेम आर यू, या मैं, what I think of myself, what I believe of myself, which may or may not be true, ठीक है ये तो। Second frame is they, सब जो मेरे बारे में कहते हैं, सोचते हैं, जिसका मुझे पता है, what they say about me and think about me, which I know. थर्ड फ्रेम है दे, क्वेश्चन मार्क,
जो मेरे बारे में कहते हैं सोचते हैं जिसका मैं को नहीं पता। सियासतदानों को ये पता लगता जब इलेक्शन हो मेरे बारे में क्या सोचते हो। एक मैं कहानी सुना दूं फिर मैं आगे बढ़ूंगा, मेरी तकरीर लंबी है पर मैं छोड़ जाऊंगा। मैं 69 में लॉ मैंने किया तो मैं एक फौजदारी वकील ख्वाजा सुल्तान साहब के साथ था। तो वहां एक आया हब्से भेजा हेबियस कॉर्पस, वो एक बड़ा तवीश इलाका, मैं रिहा किया कुड़ी वापस नहीं आ रही। कहा बड़ा आसान केस है आपने जाना। मैं कहते हो किस तरह कुड़ी तानू भाई साहब, किस तरह कुड़ी तानू तुसा। कहते जी मैं ही करके तुम देखना। मैं क्या अच्छा फिर मैं उन्होंने कहना मरी दिया पहाड़ियां याद नहीं। तो मेरे नाल टुट पई पेश हुआ वो खातून आई, उन्हें बुरखा शुरखा पाया पूरा, आपकी तरह निकाब नहीं लगता ऐसे पूरा बुरखा पाया आप निकाब रखे कोई बुरा नहीं पूरी बात नहीं निकाब रखे। तो वो आया जैसा बुरखा चक्कर कौन है तेरे नाम। कहने मेरा मिया कोई गोर बंद आया था। यार कौन है। कहना पता नहीं केड़ा झूठ है। एंड ऑफ द केस इंफॉर्मेशन इन द थर्ड फ्रेम। ठीक हो गया। सो मेनी टाइम्स वी गेट सरप्राइज्ड इन लाइफ कि हमारे बारे में क्या कहा जाता है जो हमें पता नहीं। एंड इट शेक्स अस। देन जौहरी कहता है देयर इज अ फोर्थ फ्रेम, चौथा आपकी शख्सियत का, जो ना आपको पता है ना किसी और को पता। किसी वक्त आएगा जो सामने आ जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको दो एग्जांपल देके। आपा जी बड़ी भैन हो, बड़ी तुसी मिठे हो, बड़ी अब्बा जी फौत हो गए। आपा जी कहते ने मेरा मिया कहता मैं जायदाद का हिस्सा दे दो। आपा जी तुम शर्म नहीं आती, तुम जहेज नहीं दिता। फोर्थ फ्रेम पैसे मांग लो। बड़ा बेदीन आदमी है जो काबे जाता है, काबे को देखता कन्वर्ट हो आज सच पता लगता। बड़ा दीनी आदमी है जोड़ा काबे जाता है कहता अच्छा ऐसी इटा तो बने गुराफ चढ़े है। फोर्थ फ्रेम बड़ा आदमी की मशहूरी है जी बड़ा दलेर है, बड़ा दलेर है जंग का, पहला गोला चलता तो ग्रीन हो जाता। करेज नहीं, एब्सेंस ऑफ करेज इज वेल फॉर्म फ्रॉम पार्ट ऑफ द फोर्थ फ्रेम। बहुत से साल बेटे आप मेरे पैदा होने से पहले इंसान ये समझता रहा कि जमीन मरकज है कायनात की और हम अशरफुल मखलूक हैं। बड़ी अच्छी बात। फिर पता लगा कि नहीं हम तो मरकज नहीं है, हमारा हम तो सितारा भी नहीं है, हम तो एक सियारा प्लैनेट है जैसे कई और है, मार्स है, यूरेनस है, ब्लाबीनस है, और हम घूम रहे हैं सूरज के इर्द गिर्द। मरकज इस सोलर सिस्टम का सूरज है, हम नहीं। हम तो वॉबल करते हैं एंटी क्लॉक वाइज एवरी डे, रोंग एंटी क्लॉक वाइज, और हम फिर सर्कल आते हैं और सर्कल भी गोल नहीं है, एलिप्टिकल। फिर हमें इल्मिया आया कि ये जो सोलर सिस्टम है ये हिस्सा है गैलेक्सी का। आज से 2 साल पहले ख्याल ये किया जाता कि इस गैलेक्सी में जिसमें अर्थ जिसमें आप और मैं जिंदा हैं या समझते हैं कि जिंदा हैं, इसमें 1 बिलियन स्टार्स हैं। 4 हफ्ते पहले मैंने पढ़ा नहीं देर में भी 3 बिलियन स्टार्स इन दिस गैलेक्सी जिसका हम हिस्सा,
और इसमें प्लैनेट्स कितने हैं, सियारे कितने हैं, पता ही कोई। ब्लैक होल्स कितने हैं, जिसको पहले डार्क होल्स कहते हैं, पता नहीं सा। एस्ट्रॉइड्स कितने हैं, पता नहीं सा। देयर मे बी 1 बिलियन गैलेक्सीज। बिलियन इन द इंग्लिश सेंस इज 1,000 मिलियन। देयरफॉर वहम कर लेना कि ऐसी बहुत मौत बन, वैसा कोई साढ़े वक्त बने पाजी अभी आया बाहर अस्तर निकलना استعمال کیا کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا مجھ کو، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خوار زبوں، آپ بھی ڈر رہے ہم یقین کر لیتے بھائی مینا باب ستارے لائنے تھی الیکشن جتو ہی جتو کیونکہ ستارہ تھوڑے صحیح کورے چ پہنچ گیا بیٹا یہ یاد رکھیے گا کہ جو دین اسلام ہے It is the youngest of the Abrahamic religions. Judaism, Christianity, and Islam. We are the youngest. They are much before us. Christianity, ke bare mein yaad rakhiyega ki even after 200 years of the Prophet Jesus' crucifixion, abhi tak yakeen nahi aaya tha ki ek naya religion aa gaya. They were called Gentiles. यहूदी थे, वो शिफ्टेड इनटू जेंटाइल्स। हमारा सबका तीनों रिलीजन्स का एक यकीन है कि कायनात क्रिएट की गई थी, कुल फयकुन बी एंड इट इज। तो मेरे पास कभी कभी लोग आते हैं मुझे इल्म सिखाने के लिए, तो मैं पूछता हूं कि अच्छा यह दस दो हजरत साहब कि कुल फयकूनों कायनात बनाने का कदों क्या गया से? When did this happen? 99% of people who come to me have not studied physics. Do you know what is the date according to this? 13.7 billion years ago. जैसे हम कुल फयकूनों कहते हैं, साइंटिस्ट बिग बैंग कहता है। 13.7 billion years ago. वो प्रोसेस किवें होया सी? That's a long story. तो आज नहीं करूंगा। I'll quickly move to the next one. अगला मेरा सवाल ये होता है, ए दसो ए जड़ी जमीन है कदों बनी सी? Correct. Maybe a little more. Maybe a little more. Stephen Hawking इसमें 8 और ऐड करता है, 0.8 और ऐड करता है। Therefore, there has been a great division in science and religion between the origins of life. Right. But it is up to you to think about it and work it out. My next thought process. तेरुं बुझा चाहता। मैं बूढ़ा आदमी हूँ भाई, मैं आपके पास कल पुत्रों बदलना नहीं कांट ये हो गया, कुछ नहीं बदला जा सकता। Therefore, and this is the past, more.
भाई मेरी बड़ी बेइज्जती हो, आगे टोर आगे टोर। दूसरा काला आने वाला बहम आप। मेरे बड़े कोलीग्स जो जज बन गए तो उन्होंने कहा मैं और नम पता ही मैं चीफ जस्टिस हो है ना, फड़क करके मार्शल लगा फारग। कल आने वाला का क्या पता आपको? ये बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी एक फजूली आदत है। टू लिव इट रेकलेसली, कौन रोक रहा है भैया आपको? मैं एक दफा कॉलेज में आया तो एक लड़का आया मेरे पास दफ्तर में, सर मैं खुदकुशी करना चाहता। मैं क्या बड़ा अच्छा फैसला, वन इडियट लेस इन द वर्ल्ड। भाई कार खुदकुशी सर नहीं बरक पाता। मैं क्या मेरा कारपेट खराब ना करी, जाके ट्रक थले आके। इट्स अप टू यू के पल कैसे गुजारना। आप आने वाले कल की फिक्र में गुजारते रहे, गुजरे हुए पल की तकलीफ में गुजारते रहे। ऑस्कर वाइल्ड कहता है नॉट द बिटरनेस ऑफ द पास्ट बट द लग्जरी ऑफ अ रिग्रेट। वो याद है ना वो दी मुनीर ने आजी दा बड़ी मशहूर नज़्म जेड़ी याद है कि नहीं? ना किदा दोष सी ते किदा नहीं सी, ये गल्ला हम करन दिया नहीं। वेले लंग तौबा वाले ਰਾਤਾਂ ਹੌਕੇ ਭਰਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਟੋਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਮ ਆਖਿਆ ਸਨ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हमने इंसान में भी और हम पिक्यूलियर एनिमल है, मैमल है, जिसमें कमाल है इबादत। हमने किस किस की इबादत नहीं की? नेक्स्ट हिंदुस्तान में नेक्स्ट किस किस की भगवान समझते हैं? पानी नू, गानू, बांदरानू, गणेश नू, दरख्तान नू, स्नेक। पारसी आज तक आग की पूजा करते रहे। दे आर गॉड फायर वर्शिपर्स, राष्ट्रीय even today. Correlated to this कि हम उनसे मदद मांगते। मैं रोजे रखे मेरा काम हो जाए, सौदेबाजी करते। You have an accounting system with the unknown, unseen maker. भगवान मैं छूट नहीं बोले Not only this, वो काफी नहीं साढ़े आस्ते, सानू पीर भी चाहिए, सानू कमरा भी चाहिए, सानू तवीज भी चाहिए, सानू धागे भी चाहिए, सानू गंडे भी चाहिए। असी काले जादू भी यकीन कर रहे हैं, ਉਹ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਲ ਟੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਟ ਸੋਰਟ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਯੂਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਮੁਝੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਵੀਜ਼ ਧਾਗੋ ਮੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੀ ਨੇ ਕੀਆ। Imagination. Unbelievable imagination.
tragedy is that we start believing in things we imagine. What we imagine, we consider it reality. What is different from other us and other mammals? Yani bandar kyun nahi computer bana lenda? Dekho aaj hum mammal hain wohi. We have done two things over thousands of years. One is language. Sanu pata whales din mein language hai, but limited. Bandaron mein language hai. But limited. Sheel aa rahi hai. Cheetah aa rahi hai. 10 or 12 sound. We have developed language where we can express ourselves. The second thing that human beings have done is we have developed writing. Jo whale hai, jo ek samundar ke ek kinare se dusre samundar ke kinare jaati hai, wo apni aulaad ko सिखा के नहीं बिता सकती. इट्स ओनली फ्रॉम द माइंड. इट नोज इट्स मी. वी क्रिएट राइटिंग टू गिव इट टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट इज व्हाट हैज गिवन अस प्रोग्रेस. द एबिलिटी टू ट्रांसफर द नॉलेज ऑफ वन जनरेशन इनटू द अदर जनरेशन. ये जो चीते आप देखते हैं वो सिर्फ एक हंट सिखा सकते हैं. हंट, नथिंग मोर. बट वी कैन इम्पार्ट ए होल लॉट ऑफ थिंग्स. लेट्स गो फर्दर. बिकॉज ऑफ लैंग्वेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज वी क्रिएट वर्ड्स एंड वी गिव मीनिंग्स टू दोज वर्ड्स. Two of the words most importantly used is character and personality. Aur ye bonda ka paal ka kirdaar theek hai. Now what are we composed of? Hum kya teen cheeze hain? One is instinct. Jibilla नींदर आई, भूख लगी, डर आ रहा है, फाइट और फ्लाइट, सेक्सुअल डिजायर. जेनेटिक, कोई इसमें जिबिलत है, कोई इसमें कमाल नहीं हमारा. सो वी आर कंपोज्ड ऑफ इंस्टिंक्ट, जिबिलत, हैबिट, आदत एंड इमोशंस एंड फीलिंग. Just baat or aisa saath. When these three things combine, we act. Our action is known as conduct. How do we assess each other? Through our conduct. Dil darya samundron dhoonge, te kaun dena diye jaane bau. Main te tuhanu pehchanna the way you are dealing with me. Right. Let's go. Not only कि हमारी conduct से assess होता है. अच्छा इसमें एक और मैं ऐड करता हूँ. ये इंसान की जिबिलत में शामिल है कि उसको पसंद किया जाए. We like to be liked. We don't like सारा पिंड गवे और ये बड़ा ही सूर है. We want to be liked. But मेरे children, आप में कुछ हो भी तो सही ना कि आपको पसंद किया जाए. देर मस्ट बी समथिंग विद इन यू बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट, योर इमोशन एंड योर हैबिट्स दैट यू बिकम लाइकेबल. कैसे होगा भाई? बढ़िया नहीं. मैं आपके आता हूं सुन. हम बंदरों को शिकायत लगाते हैं वो जी बड़े नकाल ने. कि बंदर ये नकाल. भाई हमसे बड़ा नकाल कौन है? All advertisement is based on mimicry. ये लॉन खरीदनी है, ये लक्स लाना है, ये क्रीम लानी है. What is this? But mimicry. We mimic other people.
We mimic the style of speaking. We mimic clothes. Yeah, man, bandaron se bahut hain. Let me sort of go a little further, and then if you want, I can. Like a monkey, any monkey जो दरख्त पे बैठा है, वो नीचे देखता है छह केले गिरे हुए हैं, उन्हें देख, उधर देखता है चीता भी है, ना he's taking cognition, जो हम भी करते हैं, मैं थले जाके चुक सकना कि चीता फाड़ ले, and he makes a decision, the wrong decision will kill him. The right decision will give him bananas. We make choices all our life, big or small. आज आपका यहाँ आना और बैठना और मुझे सहना, ये चॉइस है आपकी. You could have gone up. मैं गाने पे रोकना, ध्यान देंगे. लेकिन जो सबसे अहम फैसले हैं हमारे बारे में, उसके बारे में हमसे कोई पूछता ही नहीं. मसलन तुम जमना है कि नहीं जमना, वो कौन सा है? किरे बात बहुत तो पैदा होना है, एक बेटी तो पैदा होना है, वो कौन सी है? साढ़े माँ प्यो की होंगे, कौन होंगे? तो साढ़े जेनेटिक कोड की होगा. ਸਾਡਾ ਰੰਗ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ, ਵਾਲ ਗੰਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ ਕੱਦ ਇਜ਼ ਆਲ ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਬਾਈ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ. ਹਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ. ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਰਬੀ ਦਾ ਘਰ ਪੈਦਾ. ਯੱਲਾ 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 ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਲੁਹਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਪੁਸ਼ਤਾਂ, ਮੈਂ 34 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ. ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ? ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ. ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਫੁੱਫੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਸੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗੀ, ਕਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਣਾ, ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਣਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਬੋਝ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਬੋਝ ਸਮਝਣਗੇ? ਕਿਆ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ? ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਫੋਰ ਦ ਬੋਇਜ਼ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਇਸ ਘਰ ਮੇਂ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਪਿੱਟਤੀ ਹੈ. The son is 99% going to do the same because he follows that. All right. Koi ek shaadi karega ke 5-7 kar le, taadi choti mi aayi us te choti mi wapas hi bas bhi karo, bhai aa karo. बचपन मेरा और आपका बचपन है, वो हमारे कंट्रोल में है. जब तक यहाँ तक आप पहुंचे, नाउ यू आर इन एडल्टहुड, यू हैव क्रॉस्ड दैट एज. जब आप स्कूल जाने गए, ये डिग्री लेने के अलावा फैसले आपने करने हैं. गुड डिसीजंस और बैड डिसीजंस यू विल हैव टू मेक, किसी और ने नहीं करना. लेट मी गो फॉर. वो वहां बैठे एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि जिंदगी पे पर्पस क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए. एक क्वेश्चन एरिस्टोटल को भी पूछा गया, रिमेंबर, सॉक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैं मेरी नजर में पैगंबर था. उसने कहा सोनम बोनम, the highest good in life, they get key, they get happiness.
मकसद क्या है? खुश रहना चाहिए भैड़े हाँ बांदर अगर मुंह बना रहा खुश रहना चाहिए। लेकिन ये याद रखें हैप्पीनेस कोई जगह नहीं है देश हराई में कि खुशी स्थान में पहुंच गया हूं। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ ट्रेवलिंग थ्रू लाइफ। मेरे औलादों ये याद रखें खुशी ये एक हिडन एजेंडा है हमारी जिंदगी का। व्हाई डू वी ड्रेस वेल? What do you want to fall in love? We want children. Happiness. Being religious. मां बाप का ख्याल रखना खुश रोटी अच्छी खाना है क्या कोई फॉर्मूला है जिंदगी में खुशी तलाश करने का? इज देयर फॉर्मूला? दो लोगों ने इसकी एक गौतम बुद्ध अपने लिहाज से पैगंबरी था। बुद्ध मीन्स द एनलाइटेड वन। और सबको कहानी पता है बादशाह पुत्र से उसका ब्याह है उसकी कुड़ी छोटा जा बच्चा सी वो बाहर गया उन्हें देखा लोग गरीब ने मस्कीन ने डिजीज है मर रहे हैं ये हो गया उन्हें कई साल वो जलना है। ये कहते हैं कि इवन एट हिज ओन फीसिस शिट to understand what is humiliation. Many, many years later, he came out and he was called Buddha, the enlightened one. He came to the conclusion ke fasting we came. The conclusion he came to was twofold. Dono mushkil. Pehli conclusion ye thi ke happiness, khushi aur na khushi is a state of the mind. Right? Other than physical pain. Dekhi to anchitar pe aa rahe hain. His second comment was that the burden of happiness and unhappiness is based on desire. वैसे हम जैसे सामान जितने बड़े शेर लिखे ना लेकिन एक शेर था बहुत अच्छा ये जो ख्वाहिशों का परिंद है the bird of desire इसे मौसमों से गरज नहीं does not correlated to the ground reality ये उड़ेगा अपनी ही आन में जैसे आप दे के शराब दे मिराज दो उड़ेगा अपनी आन में। सो वन ऑफ द कीज दैट गौतम बुद्ध सेज इज न्यूट्रलाइज द माइंड और उसके उन्होंने से एक्सरसाइज बताई। द सेकंड इज ट्रिकी He says, when you are unhappy, face it. जब आप ना खुश हो और ये ख्वाहिश ना करो कि चली जाए, face it. मैं ना खुश हूँ, हाँ मैं ना खुश हूँ, हाँ मैं है, face it. जब आप खुश हो तो ख्वाहिश ना करें कि वो कंटिन्यू कर। जब तक है सो है, नहीं तो जब वो चली जाएगी तो आप भी याद करेंगे। सो व्हाइल यू आर हैप्पी एंजॉयड हाय मुक ना जावे आज जाने की जिद ना करो जिद ना करो राइट
एक्सरसाइजेस है मैं छोड़ जाऊंगा वो. द सेकंड पर्सन हु डिड दिस अदर देन गौतम बुद्ध इज अगेन एरिस्टॉटल. गालिब ने भी कहा गम से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है, गम रंज से मुझे बड़ी इतनी आसान हो गई. He is in the Buddhist frame of mind. And ये रंजिश बा अच्छा भी और कि नहीं पाएंगे कि नहीं गाल लेंगे बहुत. एक और बात बुद्धिज्म के बारे में मैं फिर कर जाऊंगा क्योंकि मैं आ रहा हूं. एरिस्टॉटल अरस्तु अफलातू का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, लेकिन उसने अपनी किताबों में अपने उस्ताद की हर बात की मुखालफत की. मसलन प्लेटो का कॉन्सेप्ट था वर्च्यू के बारे में. व्हाट इज वर्च्यू? वर्च्यू इज नॉलेज, इल्म है. वर्च्यू किसको हुक्मरानी करनी चाहिए? जिसके पास इल्म. बादशाह किसको होना चाहिए? जिसके साथ सबसे ज्यादा इल्म. हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलोसोफर किंग जो रिपब्लिक में वो मेंट करते हैं. एरिस्टॉटल सेड वर्च्यू इज द हैबिट ऑफ मेकिंग करेक्ट चॉइसेस इन एनी गिवन सिचुएशन. यू मस्ट मेक ए करेक्ट चॉइस. राइट, व्हाट इज ए करेक्ट चॉइस? देखा चॉइस किस में करनी है? उसने गुड्स में. व्हाट आर गुड्स? मैं बता दूं. व्हाट इज ए गुड? हेल्थ इज ए गुड, अनलिमिटेड गुड. नॉलेज इज एन अनलिमिटेड गुड. रेपुटेशन इज एन अनलिमिटेड गुड. गली गली में शोर है. वेल्थ इज ए लिमिटेड गुड. फायदे हैं लेकिन है घर वाले पैसे नहीं बड़े लोग है. एक लाल हो गया दो हो गया टोलना. नेक्स्ट फ्रेंड्स अनलिमिटेड गुड. फूड लिमिटेड गुड. तीन तीन चम्मच खाओ चीनी के जबा 30 हो गई हो गए. फैमिली वाइफ एंड चिल्ड्रन लिमिटेड गुड. लिमिटेड कांट बी ऑब्सेस्ड विद चिल्ड्रन. बाकी चीजें पीछे रह जाएंगी क्योंकि ये जिंदगी जड़ी है 12-14 मसाले की चाट है. एक अद्धे मसाले तो नहीं खड़ो जाना, बाकी पीछे रह जाएंगे. लेजर लिमिटेड गुड. इंडिपेंडेंस अनलिमिटेड गुड. सिटीजनशिप लिमिटेड. एंड इफ यू आस्क ए पैलेस्टीनियन अनलिमिटेड गुड. प्लेजर गुड लिमिटेड गुड. लेकिन इस हद तक नहीं कि तुम एपिक्यूरिस्ट हो जाओ, मजे वास्ते जिंदा रहो. जॉइन लाइफ गुड सोसाइटी पार्टिसिपेट. यू हैव टू मेक करेक्ट चॉइसेस, गुड चॉइसेस इन दिस. That's the key of life. देखे मेरे बच्चों जो दी बड़े होंगे ना तो तुसी आंदे तो बंदा मुड़ा मुड़े और यारी काश्त लाया कादा काश्त और चर्चते हैं कुछ मजे दे रही. हाँ मस्त इसी का प्रॉब्लम है. You have to make the choice. Heroin. You have to make the choice. ये बेटियां बैठी हैं. किसी और को ब्लेम नहीं करना है. यू मेक दीज चॉइसेस एंड दी चॉइसेस यू मेक डिटरमिन हु यू आर. सो वन एडवाइस टू यू इज व्हेन यू आर मेकिंग चॉइसेस देन यू विल बी इन डिफिकल्टी. खुशी के बारे में इमाम गजाली ने कीमिया ए सादात लिखी हुई, द एल्केमी ऑफ हैप्पीनेस. बर्ट्रेंड रसेल ने लिखी द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस.
और बेशुमार किताबें पढ़ी। जो मैं अब आपसे अर्ज करना चाहता हूं आखिरी बात, 10 more minutes and I'm ready to ask this. There are certain emotion, jazbaat और एटीट्यूड जो आपको खुशी से दूर ले जाएंगे। आप एक्सपीरियंस नहीं करें। वन, एंगर, गुस्सा। अल्लाह हज़रत अली फरमाते हैं, गुस्सा एक बिदका हुआ घोड़ा होता है, वो जहां वो जाने के जहां नाम भाव ना ना ना। हाउ कैन यू हैंड योर हैंड ओवर योर इमोशन टू समबडी एल्स? गाला हो गुस्सा आ गया। Never your emotions to other people. अपने कब्जे में रहने चाहिए। Hatred, नफरत एक ऐसा इमोशन है जिस भांडे में होता है या भांडे जो होता है वो भांडे नु खा जाता है। तीसरा, jealousy and envy, hasad aur rashk ki zarurat koi nahi. Hazrat Ali farmate hain ek cheez ka rashk kar sakte ilm ka. Te ki jealousy nal ki bura hode ho ya addi bhadi hai kisi oh Farida te ohdi mangni ho gayi meri hun tak nahi hoyi oh main ki karan nahi hoyi te tuhadi jealousy nal di mangni tut jayegi. हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज वैल्यूज, कदरें, और हम कहते हैं ये इस्लामी कदरों के खिलाफ, ये औरतों का मार्च इस्लामी कदरों के खिलाफ है, ठीक है, ये आर्गुमेंट आ रही है ना। अब आप अपने जरिए, दिस इज द एक्सरसाइज जो आपने करनी है घर जाके, आप अपनी वैल्यूज लिख लें, किन कदरों में आप यकीन करते हैं, अमल करते हैं। अब आप देखें आपका कॉन्डक्ट उन कदरों से कितना मुख्तलिफ है। जो इसमें गैप है वो आपकी मुनाफकत है। इट इज मैथमेटिकल। Insincerity, the mask becomes the man. आप चेहरा बनाते हैं वो आप बन जाते हैं। मक्कारी, cunningness, wisdom नहीं, cunningness। अतली का एक खत है कि मुझे तुमसे हजार गुना ज्यादा मक्कारी आती है लेकिन मेरे रब ने मुझ में मकरू की wisdom। कुछ दिन कावड़िस कोई चीज होती है, खलोना नहीं है, हर चीज तो लम्बे नहीं पै जाएगा, खलोई दा एवरेज यानी ग्रीड जी खत्म ही ना हो, बर्बाद कर देनी, वगैरह 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 मैं लिखे हैं आप पढ़ लीजिए। लास्ट टू थिंग्स, जो ग्रीक्स थे उनके फलसफे में या उनके जो भी रिलीजन था उसमें लफज गुना नहीं था, वो लफ्ज इस्तेमाल करते थे इवन एंड गुड। लेकिन उनकी थियरी ये थी कि जब आप इवन, जिसको आप गुना कह लें, आप उसमें इंडल्ज करते हैं तो सबसे पहले नुकसान आपको होता है। The first